संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शक्ति कुरमान वर्क ने एक बार फिर मॉब लिंचिंग घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बीते बुधवार को जिला प्रशासन की जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे सपा के सांसद शफीक रहमान वर्ग ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के मामले में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि बीजेपी सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मुस्लिमों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। सपा सांसद शफीक रहमान वर्ग ने बयान देकर कहा, हालांकि यूपी के नए डीजीपी ने बयान देकर मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए जाने की बात कही है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रयास सामने नहीं आया है। इस दौरान सपा सांसद शफीक रहमान वर्क ने जिले में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के झूठे मामलों में फंसाकर अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया। बिजली महकमे के अधिकारी और कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए सपा सांसद ने कहा कि अवैध वसूली के लिए संभल शहर में ही लगभग 800 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। उसमें पब्लिक के मसाइल थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बिजली के भी थे और डिपार्टमेंट के भी थे, बहरहाल बीएसए के भी थे और उसमें नुमाइंदों की मीटिंग थी, दिशा में सबके ऑफिसर आते हैं, उसके नुमाइंदे आते हैं, तो लिहाजा नुमाइंदों ने अपनी अपनी बातें रखी। कामों की समीक्षा उस पर बहरहाल कोई किसी प्रकार की, मैं भी यही कह दिया कि उसको उस पर अमल होना चाहिए। कोई किसी प्रकार की कमियां सामने आई क्या है? किसी प्रकार की जिले में कमियां सामने आई? कमी यह है कि मैंने कहा कि एक तो बिजली के महकमे में बहुत ज़्यादा शिकायत मेरे पास आ रही है कि वो लोग यानी गरीब आदमियों के लगभग 400 आदमियों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्टें लिख रखी हैं, और सिर्फ इसलिए कि पैसा कमाने की वजह से, और ये यही करते हैं कि ये छोटे वाले ये जेई और वो एसडीओ वगैरह। बात समाजवादी पार्टी की आती है तो मुस्लिमों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। अभी दिल्ली में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसको यूपी संप्रदाय को लेकर कोई कार्रवाई हुई है कुछ लगता है आपको? कौन कौन पकड़े गए? दिल्ली में कुछ आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकवादी अभी क्या, ये तो हमने बहरहाल हमारी मांग पहले से ही है कि जो आतंकवादी जो आम जनता के साथ जो जैसे मॉब लिंचिंग का है मामला, हालांकि अभी जो इस बार डीजीपी आए हैं उनका आज बयान भी आया है कि इस सब में कार्रवाई कराऊंगा और इसमें एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही आज तक, और लोगों को बिला वजह घेर कर ख़ास तौर से मुसलमानों को पकड़ कर के झूठा सच्ची कोई बात कहकर 150 आदमी आए उसको जान से मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई?